डॉक्टर मल्होत्रा जी, पहले पानी पिला दो, उसके बाद डॉक्टर मल्होत्रा जी श्री ठाकुर जी को माल्यार्पण करेंगे। आप सभी तालियों के साथ में इनका स्वागत कीजिए। दो भक्त भाइयों, माताओं, बहनों, यह विश्व मंगल गोग्राम यात्रा, इसका विचार आज से कई वर्ष पहले पूज्य राजकृष्ण भारती जी के मन में और आया। पहले उनके यहाँ मठ में सब जर्सी गाय थी, पर एक बार उनको एक कार्यक्रम में रहने का अवसर मिला और वहां एक बहुत सुंदर नंदी उन्होंने देखा, मन उसी में रम गया और अंत में कार्यक्रम के आयोजकों को उन्होंने आग्रह किया कि नंदी आप हमको दे दें। उन्होंने वो नंदी महाराज जी को दे दिया और तब से उन्होंने अपने आश्रम की सब उन विदेशी गायों को बदलकर भारतीय गायों को अपने आश्रम में और लाना शुरू किया और आज भारत की जो 32 नस्ल और देश में बची है उन सारी 32 नस्लों का पालन महाराज श्री अपने और आश्रम में कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और ग्रामीणों को बांट रहे हैं। उसके बाद महाराज श्री ने 2005 में भारतीय गौ यात्रा पूरे कर्नाटक प्रांत में निकाली, उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। अकेले धारवाड़ जिले में 35,000 घरों में भारतीय गौ रखवा दी। गांवों में वृत संत, गांवों में संत पुष्ट रहा, गावों में हृदय नित्य में गवा मध्य वसन ध्यान। गौ माता मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो, मेरे दाएं बाएं हो, मेरे हृदय गौ माता का निवास हो, देखिए आशा मेरा जीवन गोवंश के मध्य हो। ये अमृतवाणी जिन महापुरुष का है वो भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम समर्पण करते हैं और उनसे विनती भी करते हैं आप फिर अवतार करें। ये हम नहीं बुला रहे हैं आपको, गौ माता बुला रही है। संकट से संकट नहीं, कष्ट उठाते हुए गौ माता आपको बुला रही, आप फिर से इस धरती में आए, ये विनती उनके उनके चरणों में रखते हुए अपना भाव कुछ शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे। इस संकल्प को दोहराएंगे, मैं बोलता हूँ पीछे पीछे आपको दोहराना है। हे कर्म पूज्य गौ माता, आप ममतामयी करुणामयी माँ है, आप सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु है, आप पवित्र तीर्थ स्वरूपा है। माँ आप गंगा की पावनता और शुद्धि की देवी है, सर्व रोग निवारिणी, आरोग्य दात्री, धन्वंतरी रूपा है आप, जैविक कृषि के रूप में समृद्धि धन देवी है आप,
माता, परम पूज्य गो माता, भारत माता व अपने पूर्वजों का, भारत माता व अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं, स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मन वचन कर्म